और उस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, संजय राउत की पीएमएलए कोर्ट में पेशी हुई है। ईडी ने राउत की 8 दिन की रिमांड मांगी है और ईडी ने संजय राउत की यहां पर रिमांड मांगी है। अब देखना होगा कि कोर्ट का इसके बाद क्या फैसला निकलकर सामने आता है। आज पेशी है पीएमएलए कोर्ट में संजय राउत की और ईडी ने यहां पर राउत की 8 दिन की रिमांड मांगी है और रिमांड मांगी गई है। रिमांड के बाद अब क्या वहां पर कोर्ट फैसला लेता है ये देखना होगा। आपको बता दें कि संजय राउत की कल आधी रात को गिरफ्तारी हुई थी, लंबी पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी उनकी हुई थी। इससे पहले उनकी घर पर भी एक टीम कल गई हुई थी ईडी की, जहां पर तलाशी ली गई, उनके भाई के कमरे की तलाशी ली गई थी, उनके कमरे की तलाशी ली गई थी। कई सवालात वहां पर उनसे हुए थे लेकिन जब ईडी संतुष्ट नहीं हुई तो उसके बाद उनको हिरासत में लिया गया और आधी रात को उनको गिरफ्तार कर लिया गया और आज पीएमएलए कोर्ट में उनकी पेशी है।